Dear students, here is the reaction and I am going to solve this reaction by using oxidation number method. पहले जिस तरह से हम करते हैं, हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट हाफ रिएक्शन लिखते हैं. जैसा कि आपको पता है Cr2O7 किससे मिलना, Cr से मिलना. आप सीधे आपने जो जिससे मिलना उससे लिख लेते हैं. उसके बाद आप हाफ रिएक्शन लिखने के बाद क्या करते हैं, आप इनकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं जो इनकी चेंज होती है. जैसा आपको पता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो चेंज नहीं होती उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो चेंज होती है उनको लिखते हैं. तो जहाँ पर हम Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम निकालेंगे, आपको मालूम है ऑक्सीजन की -2 है. इधर राइट हैंड साइड में हम निकाल के देख लेते हैं Cr2O7 हम क्या कर देते हैं कि इसमें से जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो जो चार्ज है एटम्स को लिख लेते हैं Cr2O7 और यह चार्ज है उसके बराबर कर लेते हैं. जो टोटल Cr2O7 है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है. जिसकी निकालनी होती है उसकी एक्स मान लेते हैं, Cr के हमने एक्स ले लिया 2x. 7 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो आपको पता है यू नो दैट ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 लिख दिया. 2x प्लस -14, तो -14 आपने यहाँ लिख दिया इक्वल टू -2. 2x इक्वल टू 12 -2. 2x इक्वल टू सॉरी 14 माइनस टू 12. एक्स इक्वल टू +6. आप पहले से ऑक्सीजन नंबर निकाल लेते हैं, वही सिंपल मेथड. आप इसमें क्या करना है आपको कि जो इनके ऑक्सीजन नंबर चेंज होती है अदर एटम स्पेशली अदर एटम्स जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के लिखते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिख देनी है. इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है पर एटम +6 है Cr. इधर कितनी है आयन है Cr ट्रिपल पॉजिटिव, तो आयन के ऑक्सीजन नंबर उसके चार्ज के बराबर, तो इसकी ऑक्सीजन नंबर +3 हो गई. अब आपने देख लिया हाफ रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन नंबर डालने के बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है एटम में उसको आपको आके लिख देना. तो कितनी चेंज हो रही है आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर एटम 1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर वही होगी जो पर एटम लिखी गई है. लेकिन इसमें आपने Cr के कितने हैं लेफ्ट साइड में 2 एटम्स हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी उतने से मल्टीप्लाई कर दिया गया. अगर 3 एटम होते तो 3 से कर देते, 2 है तो 2 से कर दिया तो 12 हो गई. और राइट हैंड साइड में Cr एटम कितनी है एक की, और इसको करते क्या है, फर्स्टली आप चाहे जो विधि अप्लाई कर रहे हो आपको करना क्या है, Cr के 2 एटम हैं तो इधर भी आपने क्या किया है Cr के 2 एटम कर लेने हैं, अदर एटम बैलेंस. सबसे पहले आपको काम करना क्या है, अदर एटम बैलेंस कर लेना है. तो आपने देखा Cr के 1 एटम की +6 ऑक्सीडेशन नंबर है तो 2 एटम की 12 हो गई. यहाँ पर Cr के 1 एटम की +3 है तो इधर भी चूँकि 2 एटम थे तो 2 एटम आपको करने पर मल्टीप्लाई करके 2 से, तो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गई. तो कितना चेंज आया, ऑक्सीडेशन नंबर 12 से रिड्यूस हो कितनी होगी रिएक्शन में 6 रह गई है. तो आपने आगे लिख दिया है चेंज इन ON, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी जो आती है चेंज होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू कितना हो गया, एक एटम 6 तो 2 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गई. यहाँ पर एक एटम की 3 थी, दो से मल्टीप्लाई किया 6 हो गई, तो 12 में से घट के कितनी हुई चेंज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 6 आया, तो आपने 6 ही लिख दिया. अब आप इसी तरह क्या कर देते हो, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कर लेते हो, पहली हाफ रिएक्शन कर लिया, अब उसी तरह का काम आप सेकेंड हाफ रिएक्शन लिख के करते हो. इसको आपने अगर नहीं लिखा तो इसको लिख लिया फर्स्ट हाफ रिएक्शन. फर्स्ट HR, अब सेकेंड HR लिख लेते हैं. सेकेंड हाफ रिएक्शन में क्या है SO3
ये किस में चेंज हो रहा है? SO4 डबल निगेटिव में से। अब यहाँ पर आपको देखता है कि अदर एटम्स जो है बैलेंस हैं, एक ही सिंगल तो बैलेंस करना नहीं है, आपको केवल क्या करना है कि अदर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर डालनी है। उसी तरह से आप देख रहे हो टोटल -2 है, SO3 के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज, तो आपने एस की ऑक्सीडेशन नंबर एक्स मान लिया है, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर एक्स मान करके इसमें ऑक्सीजन की डाली -2 तो -6 हो गया। उसी तरह से आपने बैलेंस कर लिया है, SO3 डबल निगेटिव है, तो ये डबल निगेटिव जो आयन है, आयन के ऑक्सीडेशन नंबर उसके 4 के बराबर होती है, तो SO3 का -2 कर दिया। इसकी सल्फर की एक्स मान लिया, निकालनी है, उसके बाद प्लस का साइन लगाया, और जो ऑक्सीजन आइटम है, ऑक्सीजन 3 आइटम्स हैं, तो ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन नंबर वो डाल दिया है, इक्वल टू -2, एक्स -6 इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू +6 -2 इक्वल टू +4। आपने देखा कि सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई है, SO3 में, इसमें कितनी हो गई SO3 में, तो 6 में +4। इसी तरह इसमें देखोगे आप, इसकी एक्स मान लोगे SO4 में से, इसकी एक्स मानी और यहाँ पर 4 कर दोगे तो -8 हो जाएगा, कितनी आ जाएगी +6 आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरह से आप इसकी भी निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे आप, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, इंक्रीज इन 2, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 2। इन फर्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर इस लेसनिंग, पहले में घट रहा है रिडक्शन हो रहा, दूसरे में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा। अब क्या करना है, नाउ यू हैव टू चेंज बोथ दी हाफ रिएक्शंस, यू मे से दिस फर्स्ट हाफ रिएक्शन एंड दिस सेकंड हाफ रिएक्शन, 1 और 2 रिएक्शन को आपको क्या कर देनी है, एड कर देना है बोथ रिएक्शंस को। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द बैलेंस्ड इक्वेशन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन ऑक्सीकरण संख्या। विद्यार्थियों, हमने ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन ज्ञात कर लिया, तो आपने देखा कि इसमें 6 है, इसमें 2 है, हमें करना क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर कर देते हैं, जैसे आयन इलेक्ट्रॉन में आप क्या कर देते हो, दोनों अभिक्रियाओं में आयनों के नंबर्स को बराबर करते हो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, तो इसको भी कर लेते हो। तो इसमें देखेंगे, हम देख रहे हैं इसमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो यहाँ 6 कैसे आएगा, जब हम यहाँ 6 तब आएगा ऑक्सीडेशन नंबर में 6, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम करेंगे क्या कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग सेकेंड हाफ रिएक्शन बाई 3, वी विल एड द फर्स्ट हाफ रिएक्शन एंड वी विल गेट बैलेंस रिएक्शन। तो हम करेंगे इसको, हम 3 से मल्टीप्लाई किए, इसमें भी सीधे किए दे रहे हैं, डे स्टूडेंट्स आप भी इसको कंसीडर करें, 3 SO3 डबल निगेटिव हो गया, SO4 डबल निगेटिव भी यहाँ पर 3 हो गया, तो इस तरह से 3 × 2 = 6 ऑक्सीडेशन नंबर भी अपने आप हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे, ओके, Cr2O7 डबल निगेटिव प्लस 3 SO3 डबल निगेटिव इज ए रोड 2 Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3 SO4 डबल निगेटिव।
अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि एटम्स को एक बार चेक करेंगे, सीआर के दो हैं तो सीआर के यहाँ दो हैं, सल्फर के लेफ्ट साइड में तीन एटम है तो राइट में भी तीन है, ऑक्सीजन को अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 3 × 3 = 9 = 7 = 16 है और इसमें 12 है, 4 की कमी है, 4 की शॉर्टेज किस साइड में है, राइट हैंड साइड में। तो आपको पता है, बताया गया है, जैसे आप आयन इलेक्ट्रॉन में करते हो, ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हो, मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से, जल के अणु से, H2O के उतने नंबर्स जोड़ देते हो जितने ऑक्सीजन के एटम्स लेस होते हैं, कम होते हैं। तो इसमें आपने देखा कि एटम 16 है इधर, इधर हैं 12, 4 लेस हैं तो 4H2O आप जोड़ देंगे, जिस साइड में कम है उधर जोड़ देंगे, तो इधर आपने क्या किया, आपने 4H2O जोड़ दिया। जब आप H2O जोड़ देते हो तो आप जाहिर है आप हाइड्रोजन बढ़ा देते हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करोगे, अपोजिट साइड में उतने ही अम्लीय माध्यम है तो H पॉजिटिव जोड़ देते हो, क्षारीय माध्यम है तो फिर उसकी अलग प्रक्रिया है, वो आप उसमें क्षारीय माध्यम में समझोगे तो वहाँ OH नेगेटिव जोड़े जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 8 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में बढ़ा दिए तो 8H पॉजिटिव आप लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देते हो, आपने जोड़ दिया, ऐड कर दिया। अब आप इस ओवरऑल इक्वेशन को चेक करते हो, सीआर के 2 एटम्स हैं, सीआर के इधर भी 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन 16 एटम्स हैं, ऑक्सीजन 16 एटम्स हैं, हाइड्रोजन 8 एटम्स हैं, हाइड्रोजन 8 एटम्स हैं, चार्ज आप चेक करते हो तो 6 1SO3 पर माने तो चार्ज है, 3 पर 6 हो गया और ये 2 निगेटिव चार्ज, 8 निगेटिव चार्ज, 8 पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 1 सीआर पर 3 पॉजिटिव चार्ज तो 2 सीआर एटम है तो 6 हो गया और 6 निगेटिव चार्ज है, SO4 पर -2 है तो 3 है। इस तरह से आपने देखा एटम बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है और आपने क्या किया, पूरी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गई है।